2023 belongs to Shahrukh Khan. And this is something that Shahrukh Khan is not just number one, but he's number one to number five. If Rajkumar Hirani is again coming back on Christmas with Shahrukh Khan this time, I think it's going to be a golden period. डंकी को लेकर तरण आदर्श कहते हैं कि इस फिल्म को लोग भूल नहीं पाएंगे और कितनी इमोशन और कॉमेडी इसके अंदर होने वाली है लोग याद रखेंगे। शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान जवान से ही अपने दुश्मनों को धूल चटा चुके हैं। थिएटर शोज हाउसफुल हो चुके हैं। डंकी को लेकर पब्लिक क्रेजी हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म पहले दिन ही इंडियन फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तबाह कर देगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डंकी को हॉलीवुड लेवल पर रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म को 3D IMAX स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड 20 देशों में डंकी रिलीज होगी। दोस्तों, इस बार ये फिल्म 2000 करोड़ की कमाई कर सकती है क्योंकि इसके मास्टरमाइंड राजकुमार हिरानी हैं, जिन्होंने अभी तक सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में ही बनाई है। इसलिए डंकी पर ऑडियंस को पूरा भरोसा है और ये फिल्म दुनिया भर से इतना कलेक्शन करेगी कि वॉकआउट गैंग को गिनती नहीं आएगी। लेकिन रास्ते में एक बड़ी चुनौती है जिसको आप सब जानते हैं। मास एक्शन के बादशाह प्रशांत नील, उनकी फिल्म सालार भी डंकी के साथ साथ चल रही हैं। ओवरसीज में जो प्लान डंकी के मेकर्स बना रहे हैं, सालार भी वही कर रही हैं। दोस्तों, फिल्म के गाने भी काफी महंगे बनाए गए हैं और ऐसे में फिल्म से ऑडियंस को काफी ज्यादा उम्मीद है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना फायदा देखेंगे और सलार को हिंदी में स्क्रीन कम मिलेंगे। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, जैसे पीके और थ्री इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी, तो जाहिर की बात है डंकी भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। हालांकि सलार भी अच्छी फिल्म होगी क्योंकि उसको प्रशांत नील बना रहे हैं, लेकिन उनमें इतना तो दिमाग होगा कि अगर हिंदी ऑडियंस को अपनी तरफ करना है तो डंकी से 20 दिन बाद या 20 दिन पहले रिलीज करेंगे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है डंकी कितना कलेक्शन करेगी?